ये है ब्रेक मास्टर सिलेंडर। और ब्रेक मास्टर सिलेंडर की किट को कैसे बदलते हैं, उसकी सील को कैसे बदलते हैं, इसके बारे में तो आपने पहले से ही बहुत सारी वीडियो देखी होगी, तो वो मेरी वीडियो का टॉपिक नहीं है। मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि ब्रेक मास्टर सिलेंडर के ऊपर जो ये कोडिंग लिखी होती है, इन सब का क्या मतलब होता है। ब्रेक मास्टर सिलेंडर की जो दो आउट वाली लाइन होती है, उनमें से कौन सी लाइन का कनेक्शन आपको आगे वाले पहिया में देना चाहिए और कौन सी का पीछे वाले में देना चाहिए। और अगर आप इनको उल्टा कर देंगे, आगे वाले को पीछे वाले में दे देंगे, पीछे वाले पहिया का कनेक्शन दूसरे वाले से दे देंगे, तो उससे क्या हो सकता है, और जो ये लिखी होती है इनका क्या इस चीज से कोई संबंध है कि कौन से लाइन का कनेक्शन कौन से पहिए में देना है, क्या इससे कोई इनका ताल्लुक है, और ब्रेक मास्टर सिलेंडर कैसे काम करता है। तो इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो इस तरह से पूरी असेंबली रहती है हमारी ब्रेक मास्टर सिलेंडर की। इसमें ऊपर की साइड में ये कंटेनर लगा होता है, डब्बा रहता है, जिसमें कि हमारा ब्रेक ऑयल भरा होता है। ब्रेक ऑयल यहाँ से दोनों से, एक से इधर जाता है, एक से इस चैम्बर में जाता है। और कैसे जाता है, जाने के लिए यहाँ पे ये दो होल बने होते हैं, सुराख बने होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक ये सुराख इसका बड़े वाला है और एक ये छोटे वाला है। बड़ा क्यों दिया जाता है, छोटा क्यों दिया जाता है, इसका भी मैं कारण आपको बताऊंगा। अब चलते हैं आगे अंदर, इसमें क्या क्या होता है। इस तरह से ये पूरा बंद रहता है और यहाँ पर ये इसका सरक्लिप से लॉक लगा रहता है। तो इसको मैंने खोल लिया है। इसके अंदर एक ये प्राइमरी स्प्रिंग और प्राइमरी पिस्टन रहता है, और दूसरा ये वाला पिस्टन रहता है, और एक ये स्प्रिंग रहती है। बीच में यहाँ पे सील रहती है, वे हमने निकाल दी है। तो इस तरह से पूरी असेंबली रहती है। अब देखिए यहाँ पे जब इस ऑयल रहता है हमारा, तो ऑयल हमारा कैसे जाता है अंदर, इस तरह से ये होल के अंदर से, इधर से देखिए उधर से ऑयल आया और इधर निकल गया हमारा। अब जो बारीक वाला होल है जो, उससे भी देखिए वो भी थ्रू एंड थ्रू इसमें रहता है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, बारीक वाला आपका ये हो गया, यहाँ पर यहाँ से आपके ये दो कनेक्शन हो गए आपके एक साइड के लिए, इस वाले चैम्बर के लिए। इसको हम प्राइमरी चैम्बर बोलेंगे। दूसरे वाले के लिए सेम ऐसे रहता है। दूसरे वाले का भी सील अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं, तो इसका भी ऐसा ही कनेक्शन सेम रहता है। ब्रेक बूस्टर से इधर से प्रेशर पड़ता है, पिस्टन ऑयल को दबाता है, और यहाँ से ऑयल आपका वापस आता है। कौन से ऑयल से आता है ये इधर देखिए, यहाँ पर ये लाइन जो दी होती है, ये अंदर आप देखिए देख पा रहे होंगे आप, ये वाली जो है वो प्रेशर वाली लाइन का होल होता है इसमें। तो काम कैसे करता है ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से रहता है। जब इधर से आप ब्रेक पैडल दबाते हैं, तो यहाँ जो ब्रेक बूस्टर से ये इस पिन को दबाता है, ब्रेक बूस्टर की जो पिन होती है वो, और ये ऐसे दबता है स्प्रिंग। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि कौन सा स्प्रिंग पहले दब रहा है। पहले ये वाला जो स्प्रिंग है वो पहले दब रहा है। जब ये वाला स्प्रिंग पूरा दब चुका होगा, तब जाके कहीं ये वाला स्प्रिंग दबना शुरू होगा। जब पूरा दब चुका होगा, तब ये दबना शुरू होगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इधर वाला जो चैम्बर है, इधर वाली जो ये लाइन रहती है, इससे जो ऑयल जो है वो पहले बाहर आ जाएगा प्रेशर से। मतलब इसमें जो उनसी लाइन जोड़ी जाएगी, उसमें ब्रेक पहले लगेंगे, और जब इसमें ब्रेक लग चुके होंगे, तब जाके इससे ब्रेक लगने शुरू होंगे। इस तरह से ये दोनों में अंतर होता है। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी ग्लास में अगर पानी डालते हैं, पानी आप भले ही ऊपर से डाले हो, लेकिन ऊपर भरेगा बाद में, पहले वो किधर भरेगा, नीचे वाली साइड में पहले भरता है। इसी तरह से सेम, बिल्कुल इसी तरह से होता है मास्टर सिलेंडर में। मास्टर सिलेंडर में भी अगर आप देखें, इसको ऐसे कर ले, तो पहले जो सप्लाई मिलेगी आपको, वो नीचे वाले कनेक्शन से पहले मिलेगी। अब सवाल ये आता है कि आगे वाले टायर का कनेक्शन किधर देना चाहिए और पीछे वाले का किधर देना चाहिए। तो जिधर से पहले आपका ब्रेक लगते हैं, पहले ऑयल की सप्लाई आती है, उधर वाले को उस लाइन से आपको पीछे वाले में कनेक्शन देना चाहिए, ताकि आपकी गाड़ी में जब गाड़ी चल रही हो, तो पहले पीछे वाले पहियों में ब्रेक लगे, ताकि स्पीड आपकी कंट्रोल हो सके और गाड़ी डिसबैलेंस ना हो। और जिसमें प्राइमरी जो चैम्बर होता है, दूसरी वाली जो लाइन होते हैं, उससे आपके आगे वाले टायर में कनेक्शन देना चाहिए, पहिया में कनेक्शन देना चाहिए। उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप उल्टा कर देंगे तो आपकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है, अगर कहीं शार्प टर्न पे या अचानक से आपने ब्रेक लगा दिया। क्योंकि उल्टा करने से आपकी गाड़ी के आगे वाले टायर में पहले ब्रेक लगेंगे और पीछे वाले में बाद में, जो कि सही नहीं है। अब आते हैं कोडिंग की, कि ये जो कोड लिखे रहते हैं ये कैसे दिया जाता है और इनका क्या मतलब होता है। बहुत आसान होता है, अगर आपने इसका मैकेनिज्म समझ लिया ये कैसे काम करता है, तो कोड को आप देखते ही पहचान जाएंगे। तो देखिए, जिधर से प्रेशर पहले पड़ता है, पहले कौन से वाले स्प्रिंग पे प्रेशर पड़ा, इस पे, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी स्प्रिंग या प्राइमरी चैम्बर। और फिर प्राइमरी चैम्बर प्रेशर डालता है आपके सेकेंडरी चैम्बर पे या सेकेंडरी स्प्रिंग पे। तो ये वाला जो स्प्रिंग होता है वो प्राइमरी स्प्रिंग होता है, ये सेकेंडरी स्प्रिंग होता है। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये चैम्बर बनता है, ये सेकेंडरी चैम्बर बनता है, यहाँ से यहाँ तक का प्राइमरी चैम्बर बनता है। तो P का मतलब होता है प्राइमरी, और S का मतलब होता है सेकेंडरी लाइन, B का मतलब होता है ब्रेक बूस्टर की साइड में जो रहेगा वो।
तो इस तरह से ये इसके ऊपर कोडिंग दी होती है। अब इन कोडिंग का भी क्या मतलब होता है कि किधर कौन सी लाइन का कनेक्शन आगे देना चाहिए, कौन सी का पीछे देना चाहिए, बिल्कुल होता है। जो सेकेंडरी वाली जो कोडिंग होती है उसका जो कनेक्शन है, सेकेंडरी वाली लाइन का कनेक्शन आपको पीछे वाले पहिया में देना चाहिए, और प्राइमरी वाली जो लाइन होती है उसका कनेक्शन आपको आगे वाले पहिया में देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी गाड़ी का बैलेंस अच्छा रहता है ब्रेकिंग के टाइम पर। अब इसमें लाइन में, इन वाली लाइन में दो होल रहते हैं, एक बड़े वाला एक छोटे वाला। इधर वाला जो होल होता है जिधर से आपको प्रेशर लगना शुरू होता है उधर बड़ा मिलता है, और दूसरे वाले जो होल होता है वो छोटा होता है। तो ये बड़ा क्यों दिया है और ये छोटा क्यों दिया है, ये कभी आपने सोचा? चलो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, शायद ही और कोई इसका जवाब आपको देगा। तो इस तरह से ये आपका पूरी असेंबली रहती है, यहाँ तक आपका ये स्प्रिंग रहता है यहाँ तक ऐसे, और इधर से आपका ये पिस्टन रहता है, प्रेशर आपका यहाँ से लगना शुरू होता है। तो इसमें आप जाते हैं, इनका कनेक्शन होता है ऊपर, ये वाला डब्बा रहता है, तो यहाँ पर आपका ऑयल भरा रहता है हमेशा इस वाले चैम्बर में इतना। अब अगर ब्रेक आपने नहीं लगाए हैं तो यहाँ तक ऑयल भरा हुआ है। ये बड़ा इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसी से आपका मेन ऑयल इसमें जाता है ताकि जल्दी से ये भर जाए। यहाँ पे प्रेशर अभी है नहीं तो जल्दी से ये भर जाए, ऊपर से नीचे प्रेशर जल्दी चले जाए, ऑयल जल्दी चले जाए, इसलिए बड़ा दिया रहता है। तो बड़े देने का कारण ये है। फिर ये छोटा क्यों दिया जाता है, यही एक अकेला काफ़ी था, उसका भी कारण अभी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर एक ये पिस्टन ये यहाँ पर रहता है, ऐसे ये स्प्रिंग रहता है। तो जैसे ही ये दबना शुरू करता है यहाँ से यहाँ तक जाता है तो इधर प्रेशर इसका थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। तो अगर आप इसको भी बड़ा दे देंगे तो क्या होगा, जैसे ही ये प्रेशर बढ़ेगा इधर से ऑयल आपका बाहर भाग जाएगा, भाग जाएगा ना, जब तक यहाँ तक नहीं आएगा तब तक तो इसको कवर नहीं करेगा तो ये बाहर भाग जाएगा। तो इसलिए इसको पहले छोटा दिया है ताकि जब थोड़ा सा प्रेशर आ जाए तब तक ये बाहर ना भागे। अब देखिए जैसे ये स्प्रिंग यहाँ के आगे चला जाएगा, ये पोजीशन में यहाँ आ जाएगा पिस्टन, फिर ये एक अलग चैम्बर बन जाएगा, ये अलग। अब इतने में जो ऑयल बचा वो कहीं भी नहीं भाग सकता है क्योंकि होल हमारा यहाँ पे है, यहाँ से आगे तो कोई होल नहीं है, सिर्फ ये वाला होल है। अब जब इस स्प्रिंग को और ज़्यादा आगे दबाएगा तो ये और ज़्यादा प्रेशर होगा और ज़्यादा पूरा प्रेशर से यहाँ पर निकलेगा, स्प्रिंग और ज़्यादा दब जाएगा और ये पूरे ज़्यादा प्रेशर से यहाँ से निकलेगा। तो इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं उल्टे की, जब आप ब्रेक छोड़ देते हैं, ब्रेक लग जाता है, अब ये वापस आता है। देखिए जैसे ही ये यहाँ से वापस आना शुरू होगा तो सबसे पहले ये वाला जो ब्रेक वाला जो होल है वहाँ से आपका वो हटना शुरू होगा ऊपर की वाली लाइन से। तो ऐसे जैसे इधर आएगा तो इस वाली लाइन में जो आपका यहाँ वाले बीच में जो होल भरा था यहाँ पर वो इस बड़े वाले होल से फिर से वापस आ जाएगा इधर से। और जैसे ही इधर होगा ये ब्रेक वाला होल जो होगा वो इसलिए दिया हो जाता है, एक भी दे देते क्योंकि कहीं वैक्यूम इसमें क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि वैक्यूम भी इसमें क्रिएट हो सकता है। तो इस वैक्यूम को रोकने के लिए ही ये छोटे वाला होल दिया जाता है ताकि इसमें जो ऑयल है तब तक वैक्यूम जो इसमें पीछे आएगा तो वैक्यूम एक बनाएगा, उस वैक्यूम को रोकने के लिए तब तक इस वाले बारीक वाले होल से यहाँ पे ऑयल की सप्लाई अंदर दी जाएगी इस वाले चैम्बर में। नहीं तो ये वाला अगर नहीं भी देते होल तो क्या होता है, इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता, जैसे ये पीछे आता वैक्यूम क्रिएट हो जाता तो इधर से जो आपका ऑयल की सप्लाई वाली लाइन में जो ऑयल है उसी को वापस खींच लेता। तो उसको वापस ना खींचे, उसी को रोकने के लिए ये वाला होल यहाँ पे दिया गया है। तो आज तक आपने सिर्फ सुना होगा कि इस वाली लाइन पे पीछे का देते हैं, इसमें आगे का देते हैं, लेकिन आज आपकी समझ में आओगा कि क्यों देते हैं, उसके पीछे का कारण क्या होता है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, जानकारी भरी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको कमेंट होता है वो आपको कमेंट सेक्शन में आकर आप बता दिया करें। मेरे साथ आप बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।